सो वी विल स्टार्ट द सेशन नाउ। थोड़ी जी इंग्लिश और काफ़ी सारी पंजाबी मैं यूज़ करांगा। साडे नॉर्मल सेशंस टोटली इंग्लिश विच हुंदे हैं, बट टुडे आई विल यूज़ पंजाबी एज वेल, सो दैट जेडे स्टूडेंट्स हले बेसिक्स ते ने उन्हां नू प्रॉपर समझ आ सके। सो साडा मेन लक्ष्य तां यही है कि स्टूडेंट्स नू इंग्लिश दे बेसिक जो चीज़ां दा ज्ञान हो जावे, वो बारीकियां पता लग जाएँ जिस नाल वो अपने लेवल नू वधा सकन। सो अगेन आई एम थैंकफुल टू एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट एंड एंटायर टीम फॉर गिविंग अस दिस ऑपरचुनिटी। असी तहे दिलों धन्यवादी हाँ कि सानू यह सेवा का मौका दिता गया, और असी सारी टीम विनियर इंग्लिश की तहे दिलों इस सेवा नू निभाने की कोशिश करेगी। बाकी असी स्टूडेंट्स का पूरा सहयोग मंगांगे इस दे विच। सो नाउ वी विल डिस्कस, असी डिस्कस करांगे कि पार्ट ऑफ स्पीच की होंगे ने। देर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, 8 पार्ट ऑफ स्पीच होंगे हैं जिस दे ऊपर अंग्रेजी का टोटल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आधारित है। उस दे विच फर्स्ट है नाउन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शंस, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन। मैं बेनती करांगा सारे स्टूडेंट्स नू कि अगर पेन एंड पेपर कोले नहीं है तो तुसी रख लो, हैव पेन एंड पेपर हैंडी, सो तुसी लिख सको अगर थानू कुछ नहीं पता है और कुछ नई चीज़ मिल रही है तुसी लिख सकते हो। तुहाडा कोई क्वेश्चन होवे तुसी वो भी डिस्कस कर सकते हो। यू कैन रेज अ हैंड, इत्थे ऑप्शन होएगी जिस विच तुसी रेज अ हैंड कर सकते हो, तां आपां वो भी डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। बट काइंडली मैसेज नहीं करना चैट बॉक्स दे विच, बिकॉज प्रेजेंटेशन दे दौरान चैट बॉक्स दे विच ध्यान देना बहुत मुश्किल है। सो जसप्रीत मैम, शुड आई प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन? यस सर प्लीज। थैंक यू। सो ये 8 पार्ट ने स्पीच दे जिन्हां दे उपर टोटल ग्रामर आधारित है। सो आपां डिस्कस करांगे नाउन की हुंदे ने। नाउन बेसिकली डिस्क्राइब्स ए परसन, जो कि किसी परसन दे बारे दसे, किसी जगह दे बारे दसे, प्लेस दे बारे दसे, किसी चीज़ दे बारे दसे, थिंग, आइडिया और एनिमल, किसी आइडिया या किसी एनिमल नू डिस्क्राइब करन दे विच सहायता करे, उसनों असी नाउन कहिंदे आ। जिस तरह आर्टिस्ट हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, एक कंप्यूटर हो गया, समर हो गया, डॉग हो गया, ये चीज़ां की ने, ये सानू दस दियां ने कि वो चीज़ की है। सो चीज़ की है उसनों नाउन डिस्क्राइब करता है। इट डिस्क्राइब्स ए परसन, जिस तरह राम हो गया, श्याम हो गया, सीता हो गई, दैट इज नाउन एज वेल। सो जेडे किसी चीज़ का नाम दसते ने और इंडिकेट करते ने, प्लेस तो असी कह सकते हैं मनाली, शिमला, लुधियाना, चंडीगढ़, दैट इज नाउन एज वेल। थिंग, रिमोट, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेंसिल, मोबाइल, आइडिया, कोई इनोवेटिव आइडिया हो जावे, एनिमल, बफलो, डॉग, एनी एनिमल यू कैन नेम। सो ऑल दीज आर कम्स अंडर नाउन। इस जो भी चीज़ सानू किसी नाम का बोध कराती है उसनों असी नाउन कहते हैं। सेकेंड है वर्ब। वर्ब बेसिकली क्रिया नू कहा जाता है, एक्सप्रेसिस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, कि कोई काम हो रहा है, चल रहा है, किसी काम दे होन नू वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करती है। कोई रिलैक्स, ट्रिकल, स्कीइंग, स्कीइंग जो आइस के ऊपर असी स्की करते हैं, रनिंग है, रनिंग इज ए वर्ब एज वेल, वॉन्ट, मैनू कुछ चीज़ चाहिए है, इज ऑल्सो ए वर्ब, वॉज, शुड, ये सारी चीज़ा वर्ब दे आ जाए ने। कोई भी क्रिया है, कोई प्रोसेस है, वो सारिया चीज़ा वर्ब दे अंडर आ जाए ने। एक्सरसाइज कर रहे हो, तुसी रनिंग कर रहे हो, तुसी वॉक कर रहे हो, तुसी खा रहे हो, दैट इज ऑल्सो ए वर्ब। एडजेक्टिव वो चीज़ हुंदी है किसी चीज़ दे विशेषण नू, जो कि एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स ए नाउन। बेसिकली
नाउन दी विशेषता जिहड़ी चीज दसदी है वो एडजेक्टिव है। किसी का रंग काला है, गोरा है, ब्राउन है, किसी दी आईज ब्लू ने, कोई फ्लावर ब्लू है, कोई फिश का कलर टर्कवाइज है, कोई ब्यूटीफुल है, कोई हैंडसम है, कोई इंसान हेल्पफुल है। जिस तरह एजुकेट पंजाब हेल्प कर रहा है, इट इज अ हेल्पफुल ऑर्गेनाइजेशन। सो हेल्पफुल जड़ा है वो एडजेक्टिव है जिड़ी की विशेषता दसदा है, उसकी खूबी दसदा है। मिलियंस, ठीक है, कलर दस दिंदा है, डिफाइन कर दिंदा है। रोज़ का कलर रेड हुंदा है, रोज़ दी फ्रैगरेंस बहुत अच्छी आती है, फ्रैगरेंस इज एन एडजेक्टिव। सो जो किसी चीज़ की विशेषता दसे, कोई इंसान हम्बल है, बहुत काइंड है, दैट इज एन एडजेक्टिव एज वेल। थर्ड आ गया एडवर्ब। एडवर्ब डिस्क्राइब्स एन एक्शन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दे एक्शन नो जेड़ा दसे उन्हों एडवर्ब कहते हैं। जिस तरह हैप्पीली, ऑलवेज जेड़ा एडवर्ब होएगा उदे पिछे LY होएगा ही, दिस इज अ रूल ऑफ ग्रामर। डेस्पीरेटली, डेस्पीरेटली मतलब कि बहुत ही चाहत दे नाल वो चीज़ नू चाहता सी। ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर एन IAS एग्जाम डेस्पीरेटली। वो IAS एग्जाम दी डेस्पीरेटली की बहुत चाहत दे नाल और बहुत शिद्दत दे नाल तैयारी कर रहा सी। प्रिसाइसली, प्रिसाइसली इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव कि बहुत बरीकी दे नाल। शी वर्कड प्रिसाइसली, उसने बहुत बरीकी दे नाल काम किया खोज करन दे लई। सो कोई भी एडजेक्टिव एक्शन और एडजेक्टिव नू जिहड़ी चीज़ डिस्क्राइब करती है वो एडवर्ब हुंदी है, जिहड़ी कि उसनू शी वॉज डूइंग हर वर्क हैप्पीली। देखो, शी वॉज डूइंग हर वर्क, अगर आप इकला सेंटेंस लगाइए कि वो अपना काम कर रही सी, जहाँ सीता वॉज डूइंग हर वर्क, सीता अपना काम कर रही सी, वो सेंटेंस पूरा है अपने आप दे विच। बट अगर आप हैप्पीली जोड़ दिने हैं तो वो पता लग जाएगा कि वह काम वह बहुत खुशी नाल कर रही सी। जिस तरह एजुकेट पंजाब इज वर्किंग हैप्पीली और सर्विंग हैप्पीली द ह्यूमैनिटी, सर्विंग द ह्यूमैनिटी हैप्पीली, कि एजुकेट पंजाब एसोसिएशन जो है वो बड़े ह्यूमैनिटी नु सर्व कर रहा है। बट किवें सर्व कर रहा है? हैप्पीली सर्व कर रहे हैं, बहुत ही तहे दिल नाल और डेडिकेशनल कर रहे ने। तो एक एडवर्ब हो गया जेड़ा एक एडवर्ब नू एडजेक्टिव नू डिफाइन करे, सॉरी एक्शन और एडजेक्टिव नू डिफाइन करे, वो एडवर्ब हो जाता है। नाउ कंजंक्शन, कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड वर्ड्स, जेड़ा वर्ड्स नू कनेक्ट करदा उसनू कंजंक्शन कहा जाता है। जेड़ा वर्ड्स नू फ्रेजेज नू या सेंटेंसेस नू कनेक्ट कर देता है, जिस तरह की एंड हो गया। एंड इज बेसिकली ए कंजंक्शन, बट इज ए कंजंक्शन, और दो सेंटेंसेस दे विच असी और पा देने हैं, दो फ्रेजेस दे विच और पा देने हैं, दो वर्ड्स दे विच और पा देने हैं, उस नू कंजंक्शन कहा जाता है। बिकॉज किसी चीज़ नू असी अगे एक्सटेंड कर देने, उसका रीजन दस देने, वो भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन सिर्फ ये चार तरह के नहीं ने, बहुत बहुत तरह के कंजंक्शंस ने। फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू दैट, एडिशनली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फाइनली, लॉट्स ऑफ कंजंक्शंस। सो मैं सारे स्टूडेंट्स को बेनती करांगा कि तुसी कॉन्सेप्ट लिखो, इसनों अपने पद्धर ते तुसी यूट्यूब ते भी सर्च करो कि व्हाट इज कंजंक्शन, व्हाट इज एडवर्ब, व्हाट इज एडजेक्टिव, व्हाट इज वर्ब, व्हाट इज नाउन। जदों तुसी खुद रिसर्च करोगे तां ही तुसी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हो। असी तुहानू गाइड कर सकते हैं, असी तुहानू दस सकते हैं, बट जिन्नी देर तुसी खुद मेहनत नहीं करोगे, तुसी अपनी उस लेवल दी नॉलेज नू हासिल नहीं कर सकोगे। एक लिमिटेड नॉलेज जरूर रहेगी, बट उस नॉलेज नू तुसी क्रॉस नहीं कर सकते या उस नू वधा नहीं सकते। सो मैं सारे स्टूडेंट्स नू ये बेनती करांगा कि तुसी इंटरनेट ते जाओ, गूगल दे विच भरो, कंजंक्शन भरो, व्हाट इज कंजंक्शन, व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच। सो ये उपर तुसी होर नॉलेज गेन कर सको। नाउ नेक्स्ट इज प्रोनाउन।
इट्स प्रोनाउन, कई इसनों प्रनाउन कह देंगे हैं, इट्स प्रोनाउन। सो प्रनाउंसिएशन भी करैक्ट होनी बहुत जरूरी है इंग्लिश दे विच। जिस तरह असी पंजाबी नू गलत तरीके नाल बोलीए तो वो उसनों होर निगाह ना देखा जाता, जिस तरह कि आप वर्ड्स का सही उच्चारण नहीं करते तो वो ठीक नहीं लगता। इसी तरह इंग्लिश का भी उच्चारण सही होना बहुत जरूरी है। प्रोनाउन टेक्स द प्लेस ऑफ ए नाउन, जिहड़ा नाउन की जगह लैंदा है। नाउन जिदा कि राम, राम नाउन है, सीता नाउन है। नाउन आप पहला डिस्कस किया सी, डिस्क्राइब्स ए परसन प्लेस थिंग आइडिया और एनिमल, जिहड़ी चीज़ां नूं डिस्क्राइब करदा उह नाउन है। हुण असी अगर कोई एसे लिखना है उस विच हर लाइन दे विच असी उह नाउन दोबारा नहीं दोहरा सकते, ग्रामेटिक ग्रामर द रूल है। अगर असी दोहरावांगे साडे मार्क्स कट्टे जांदे ने। जिवें राम साइकिल चला रहा है, राम ने इन्ने पैडल लगाए, राम इन्नी दूरी तय कर चुका है, राम हले भी नहीं थक्या। बार बार राम लिखांगे वो ठीक नहीं लगेगा, उसकी जगह लिखांगे ओ, जिदा आप पंजाबी दे विच लिखते हाँ। पहला राम लिखांगे फिर ओ लिखांगे, जो ओ है वो प्रोनाउन है, टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन, जिदा कि ही। सो पहला असी राम लिखांगे, सेकंड लाइन असी स्टार्ट करांगे ही। अगर दे वी लिखांगे, वी हो गया, जिस तरह असी लिखांगे आई एंड राधा, मैं और राधा, उदा जिहड़ा प्रोनाउन है वो वी है। दो जां दो जाने तो ज्यादा वास्ते असी वी लगाने हाँ। इट असी लगाने हाँ बेजान चीजा वास्ते, जां फिर एनिमल्स वास्ते जिन्हां दा नाम नहीं रख्या हुंदा, जिवें डॉग है। अगर तां डॉग दा नेम है तां उहनूं डिफरेंट ट्रीट कीता जांदा, अगर डॉग दा कोई नेम नहीं है, वो स्ट्रे डॉग है तां इट यूज कीता जांदा है, वाइल्ड एनिमल है तां इट यूज कीता जांदा है। सो देज फॉर प्लूरल नाउन आर माई देयर, दीज आर ऑल प्रोनाउंस, ये सारे प्रोनाउंस ने। इस तो वध भी प्रोनाउंस हुंदे ने, वी विल डिस्कस इन अपकमिंग सेशंस। सो प्रोनाउन बेसिकली है जो नाउन दी जगह लेंदे ने, नाउन नू रिप्लेस करदे ने। नाउ नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज बेसिकली शोज द रिलेशनशिप ऑफ ए नाउन टू अनदर। प्रेपोजिशन बेसिकली पोजिशन दसता है, एक डायरेक्शन दसता है नाउन दी, कि वो चीज़ कित्थे है। सो जिस तरह आप यूज करते हाँ बाय, टू, शी इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रही है, टू इज ए प्रेपोजिशन, वो स्कूल वल नू जा रही है। सो अगर आप टू लगाने हैं तो टू ए डायरेक्ट करता है कि वो स्कूल नू जा रही है। राम इज कमिंग फ्रॉम हिज शॉप, राम इज कमिंग, अगर आप फ्रॉम ना लाइए, राम इज कमिंग शॉप लगा दिए तो सेंटेंस पूरा नहीं होंगे। फ्रॉम दसता है कि कितों आ रहा है। आई विल कम बाय दिस इवनिंग, मैं आज इवनिंग तक आ जावांगा, बाय मीन्स तक, राइट। शी इज कमिंग विद सीता, और रीटा इज कमिंग विद सीता, रीटा सीता दे नाल आ रही है। सो वो लोकेशन उसकी पोजिशन नू डिस्क्राइब करती है, जिहड़ी चीज उसनू असी प्रेपोजिशन कहिंदे आ। अराउंड, आई एम गोइंग टू अराउंड फॉर शॉपिंग, मैं आई एम गोइंग टू अराउंड दिस सिटी फॉर शॉपिंग, मैं सिटी दे आसे आले दुआले शॉपिंग लई जा रहा हाँ। सो कित्थे जा रहे हैं सिटी दे विच, आले दुआले, दैट इज अराउंड। मैं सिटी तो बाहर जा रहा हाँ, बहुत दूर जा रहा हाँ, आई एम गोइंग बियॉन्ड दिस सिटी फॉर द शॉपिंग, इस तो दूर जा रहा हाँ। सो दैट इज बियॉन्ड, सो दैट इज ए प्रेपोजिशन। सो प्रेपोजिशन द परपज है कि तुहानू डायरेक्शन दसे, सेंस ऑफ डायरेक्शन, कि जिहड़ा नाउन है वो की कर रहा है, नाउन दी सेंस ऑफ डायरेक्शन। नाउ आर्टिकल, जस्ट ए स्मॉल कंफर्मेशन, सब नू समझ आ रहा है, एनी डाउट? यस सर, यस सर, यस थैंक यू, सर, थैंक यू, यस सर, ओके, यस सर, ऑलराइट, यस सर, थैंक यस यू, सर, यस सर।
All right. Thank you, everyone. Just I need 5 to 7 confirmation. Sirf 5-7 jane jadon bol den, saryan ne nahin repeat karna. Ode vich time waste hoega. So now article. Aap article nu aaj details discuss karange. What is article? Article basically tin tarah de hunde han. A, an, and the. Three words that single in noun. A and the kithe kithe inna da uses hunda hai, kithe kithe assi inna nu use kar sakde ha, singular de naal kidda, plural de naal kidda. So article a and the aur kis words naal use hunda hai, we will discuss it in detail. So basically English language de vich 26 letters hunde ne, 26 letters hunde ne A, B, C, D to leke Z tak. Jide vich consonants o ne jide vowels to nahi start hunde. Vowels jede hunde ne English de vich A, E, I, O, and U. A, E, I, O, U. Panj vowels ne aur 21 consonants nu mila ke English language de 26 letters banaye gaye ne. Hun sawal paida hoya ki A और N जो है ना दोनों का मीनिंग ग्रामेटिकली सेम है. अगर आप देखो मीनिंग A का भी एक है, N का भी एक है. A भी एक चीज वास्ते लगता है, N भी एक चीज वास्ते लगता है. डिफरेंस यही है, A लगता है कॉन्सोनेंट्स के नाल, N लगता है वॉवल्स के नाल. N एप्पल. वॉवल्स मीन जेड़े वर्ड्स वॉवल तो शुरू होंगे ने, जिदा एप्पल है, एप्पल का A तो स्टार्ट होया, इट मीनस वॉवल तो स्टार्ट हुआ. वॉवल नू वैसे प्रोनाउंस असी वॉल करते हैं, जो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है पंजाबी दे विच वॉवल कह देंगे, बट इंग्लिश दे विच इट्स वॉल. सो वॉल दी जिहड़ी जिदा एप्पल है, एप्पल स्टार्ट फ्रॉम ए. ई एलीफेंट स्टार्ट फ्रॉम ई. इंक स्टार्ट फ्रॉम आई. आउल स्टार्ट फ्रॉम ओ. अम्ब्रेला स्टार्ट फ्रॉम यू. सो ए कोई भी जो शब्द है, कोई भी वोकैबुलरी है, लेक्सिकल है, जो वॉवल तो स्टार्ट होएगा और एक होएगा, उदे अगे कदी भी ए नहीं लगेगा, एन ही लगेगा, दैट इज फॉर श्योर. और बाकी सारे दे अगे ए लग जाएगा. आई विल कम टू दिस पॉइंट वेरी सून. ओके, नाउ इंटरजेक्शंस. Interjections basically word, phrase or sound used with this kind of mark, exclamatory mark. Basically jo interjections hunde ne, a expression show karan waste hunde ne. So informal English vich e use kite jande ne speaking de vich. Writing de vich assi informal writings de vich use kar sakde ne, but formal writing de vich eh नहीं यूज होंगी. सो वी विल कम टू दिस सब्जेक्ट लेटर ऑन. सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द सेकंड प्रेजेंटेशन. एक छोटी जी वीडियो मैं थोन दिखावांगा सारियां नूं. इस तो बाद असी दोबारा एक होर प्रेजेंटेशन है जिस दे विच असी प्रैक्टिस करांगे. There are 8 parts of speech. Just a little confirmation. Is a video the screen dikh rahi hai sabnu aur voice sun rahi si sabnu?
Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Okay. Yes, just 5 minute की video है, मैं इसनों play करन जा रहा हाँ और नाल नाल मैं थोनों 10 रवांगा जो भी कुछ होएगा. Verb, noun, adjective, adverb, pronoun, interjection, conjunction, preposition. These allow us to structure a grammatically correct sentence, as each has a different function within a sentence. Verb. A verb describes an action or experience. For example, run, walk, push, eat. So basically, as I said, verb जो describe करता है किसी action या experience को, run, walk, push, eat, जो भी चीज़ा process दे विच ने, वो सारी हैं verbs में. Sophie ran to school because she was late. The verb in this sentence is ran. John loves to bake cookies. The verb in this sentence is bake. So, in dono sentences de vich, Sophie ran to school because she was late. Oh, she ran to school. Kyo school भजी हुई दौड़ती जा रही थी बिकॉज वो लेट हो रही थी. रैन वर्ब इज अ वर्ब बिकॉज ये दस रहा कि किमें जा रही थी, भजती हुई जा रही. जॉन लव्स टू बेक कुकीज, जॉन नो कुकीज बेक करना पसंद है. सो बेक की है, इट्स ए प्रोसेस, सो इट इज अ वर्ब. Noun. A noun names a person, place, things, or ideas. For example, house, teacher, cup, shop. My teacher is a very nice person. The noun in this sentence is teacher. Amy is going to go on holiday to China. There are two nouns in this sentence. The first noun is Amy because it's a person's name. The second noun is China because it is the name of a place. So noun, as I said, ki jo kise insaan nu, kise jagah nu, kise place nu define kare. So teacher is a noun. O dassya gaya de vich, my teacher is a very nice person. Kaun very nice person hai? Teacher. So teacher किसी इंसान और परसन को इंडिकेट करता है. इसी तरह एमी भी एक इंसान या परसन को इंडिकेट करता है, दैट इज नाउन एज वेल. इज गोइंग टू गो ऑन हॉलीडे टू चाइना, गोइंग टू गो ऑन हॉलीडे टू चाइना. चाइना एक प्लेस को इंडिकेट करता है, दैट इज ए नाउन एज वेल. एडजेक्टिव. एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन. For example, short, beautiful, red, old. Fatima has a huge house with 6 bedrooms. The adjective in this sentence is huge because they are describing Fatima's house. So basically, adjective, jiddan main pehla vi बेनती की थी कि एडजेक्टिव एक विशेषता नू दसता है. फातिमा हैज अ हाउस विद 6 बेडरूम. अगर आप ह्यूज ना भी लगाइए तो भी यह सेंटेंस पूरा है. ह्यूज लगाने दे नाले पता लगता है कि घर जड़ा है वो किड्डा वड्डा है. ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज इज वेरी बिग. फातिमा हैज ए हाउस, फातिमा कोल घर है. फातिमा हैज ए ह्यूज हाउस मीन्स बहुत वड्डा घर है. सो घर की विशेषता दस दिता. फातिमा हैज ए ब्यूटीफुल हाउस, एलीगेंट हाउस,
mesmerizing house, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦੀ। Because they are describing Fatima's house. Adverb. An adverb describes a verb, an adjective, or an adverb. The adverb tells us how often, how, where, or when. For example, slowly, yesterday, always. Sophie is always late for school. The adverb in this sentence is always. It is also important to note that late is an adverb and an adjective. Last night I slept really well. The adverb in this sentence is last night. Pronoun. A pronoun is used to replace the name of a person, place, thing, or... So basically, adverb, jo assi pehla vi discuss kar chukke haan, adverb basically jo describe kise verb nu, adjective nu, ya adverb nu, describe kar diye kise cheez nu, ki ye kam kidda ho raha hai, slowly ho raha hai, ye kam yesterday hoya si, aur always hi hunda raha hai. So, yesterday. ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੋਫੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੇਟ ਫੋਰ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਡਵਰਬ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਟਸ ਫੋਰ ਸਕੂਲ, ਦ ਐਡਵਰਬ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਨੋਟ ਦੈਟ ਲੇਟ is an adverb and an adjective. Last night I slept really well. The adverb in this sentence is last night. Pronoun. A pronoun is used to replace the name of a person, place, thing, or idea in a sentence. For example, I, she, our, they, it. Becky is a very nice friend. She always helps me with my homework. The pronoun in this sentence is she. You can visit the shopping center at 1 o'clock. The pronoun in this sentence is you. So as I said, pronoun which replaces the noun. Noun ki hai Becky. Becky is a very nice friend. Becky bahut achhi friend hai. Fir uske baad aap Becky dobara dohraavange to wo repetition ho jayegi jo grammatically wrong hai. Becky is a very nice person. Becky always helped me with my work. Becky is blah blah. That is going to be a wrong as per grammar. So grammar de vich eh rule hai ki we have to use pronouns. Becky is a very nice friend. Agar woh ladki hai ta she use hoegi, hoega. Agar woh ladka hai ta he use hoega. That's why she is a pronoun. Similarly, ithe jo line hai, you can visit the shopping center at 1 o'clock. So you is a pronoun. Interjection. An interjection is used to express strong emotion and is often followed by an exclamation mark. For example, wow or oh. Wow, the view is amazing. The interjection in this sentence is wow. Hey, I haven't seen you in a long time. The interjection in this sentence is hey. So as I said, कि जो इंटरजेक्शन है इसनों असी फॉर्मल राइटिंग विच नहीं यूज़ करांगे। असी कभी भी राइटिंग लैटर दे विच या ऐसे दे विच वाओ या इंटरजेक्शन नहीं लगांगे। दैट इज इनफॉर्मल। ये बेसिकली स्पीकिंग दे वास्ते यूज होंदा है। इन स्पीकिंग व्हेन यू गो समवेयर, तुसी किते पहाड़ी इलाके दे विच जाने हो, देयर यू कैन से वाओ द व्यू इज अमेजिंग।
that is the uses of interjection. Similarly, formal writing de vich we cannot say hey, assi use karde hain dear sir, dear madam, just like that. Conjunction. Conjunction is used to connect words, phrases, or clauses in a sentence. For example, and, but, although, or. I like to watch the television and eat popcorn. The conjunction in this sentence is and. My friend is very loud, whereas I am very quiet. The conjunction in this sentence is whereas. So conjunction, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇਗਾ, ਦੋ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ, ਫਰੇਜ਼ਿਸ ਨੂੰ, ਵਰਡਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਟ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਦ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਐਂਡ ਅਤੇ ਈਟ ਪੌਪਕੋਰਨਸ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੌਪਕੋਰਨ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਵਾਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਐਂਡ ਈਟ ਪੌਪਕੋਰਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਨੀਡ ਅ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਊਡ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕੁਆਇਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਆਇਟ ਹਾਂ। ਜਦਕਿ ਜੋ ਹੈ ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਗੂਗਲ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਾਪੀ ਲਗਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਓ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਔਰ ਐਵਰੀ ਡੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਰਕ ਕਰੋਗੇ। ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਵਰਡ, ਸ਼ਬਦ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। Preposition. Prepositions describe the place, time, or direction. It is used before a noun or pronoun. For example, under, above, in, during. The cat jumped over the box. The preposition in this sentence is over. Get into the car quickly before we are late to school. The preposition in this sentence is into. So preposition jidi ki position dasse noun di, noun or pronoun di position dasta hai. The cat jumped over the box. Jo billi si usne box de upar over the jump kar deta. So over ki hai the preposition hai. Get into the car quickly before we are late to the school. So get into the car. Kis te andar betho into the car. That is a preposition. So which directs something, kis ch is the direction nu dase, oh, that is a preposition. Okay. Now we will start with another presentation. Just give me a second. ਸੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੋਨਸੈਪਟਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ, ਲੈਟ ਮੀ, ਇਜ਼ ਇਟ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਟੂ ਆਲ? ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ। ਆਲਰਾਈਟ, ਮਾਈ ਵੌਇਸ ਇਜ਼ ਆਡੀਬਲ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ? ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ ਸਰ, ਯੈਸ। ਸੋ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟਸ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੰਸੈਪਟਸ ਅਸੀਂ ਦੁਹਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਨੇਮ? ਸੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਕਸਚਰ ਜੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਡੋਜ਼ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸਪੀਕਿੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੈਸਚਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਵਿਲ ਟੀਚ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬੋਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਮ। ਫਰਦਰ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅਕੇਲਾ। ਉਸਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਅਕੇਲਾ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰਾਮ, ਸ਼ਾਮ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ। ਵਟ ਕੰਟਰੀ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਹੋ, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਟ ਕੰਟਰੀ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ। ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਕੈਨੀਆ, ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਵੇਅਰ ਡੂ ਯੂ ਲਿਵ ਔਰ ਵਟ ਕੰਟਰੀ ਆਰ ਯੂ ਫਰੋਮ, ਸੋ ਅਦਰ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਨੇਮ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਨਿਕ, ਵਟ ਕੰਟਰੀ ਯੂ ਆਰ ਫਰੋਮ, ਆਮ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੀਸ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ। ਦੇਖੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਆ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਊਨ ਹੈ। ਇਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵਰਬ ਹੈ। ਟੈਂਸਿਸ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਰਬਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਜ਼ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਨਾਊਨ। ਸਿਡਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਏ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਏ ਐਨ ਐਂਡ ਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਵੋਵਲਸ ਨੇ, ਏ ਈ ਆਈ ਓ ਯੂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ, ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਐਨ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 21 ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਐਫ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਏ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਰਟੀਕਲ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਏ ਆਏਗਾ। ਸਿਡਨੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ, ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਏ ਮੀਨਸ ਇੱਕ। ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਏ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਪੈਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਪੈਰੂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਸੈਂਟੈਗੋ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ, ਏ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਸੈਕਟ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਂਸਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਬਟਰਫਲਾਈ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੈ। ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਸੈਕਟ, ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਸੈਕਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਆਇਆ। ਐਨ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਏ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੋਵਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਨ ਆਏਗਾ, ਏ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਏ ਸੇਮ, ਏ ਐਂਡ ਐਨ ਆਰ ਆਰਟੀਕਲਸ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਏ ਚੇਅਰ, ਏ ਵੁਮੈਨ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਨੂੰ ਵੂਮੈਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੂਮੈਨ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਦ ਰਾਈਟ
pronunciation. It's women. Women is the right pronunciation. Now, a school, a lion, a bed, a man. And answer. सारे कॉन्सोनेंट्स ने सोच के देखो बोल है ना बिचो दे अगे ए आई गुड A in front of all consonants. ठीक है एक रूल है तुसी इन चीजा नू लिखी चलो नाल दी नाल that would be better. So A in front of all consonants. Now an elevator, an egg, an ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਵੋਵਲਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਨ ਆਏਗਾ ਏ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਐਨ ਐਲੀਵੇਟਰ ਐਨ ਐਗ ਐਨ ਐਵੇਕੈਡੋ ਐਨ ਐਲੀਫੈਂਟ ਐਨ ਓਵਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੋਵਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਐਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸੋਰੀ ਐਨ ਹੀ ਆਏਗਾ ਏ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਐਨ ਈਅਰ ਐਨ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਵੋਵਲ ਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਥਰਡ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸਕਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਨ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਐਵੋਕੈਡੋ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅ ਫਰੂਟ ਬੇਟਾ ਫਰੂਟ ये एक फ्रूट है फ्रूट का नाम है एवोकैडो इसका कोई मीनिंग नहीं है जैसे मैंगो है मैंगो उसका नाम है फ्रूट का सिमिलरली एवोकैडो इज द नेम ऑफ दिस फ्रूट ये आपको मार्केट में इजीली दिख जाएगा लुधियाना में अगर आप फ्रूट मार्केट में जाएंगे एवोकैडो इट्स एन एग्जॉटिक फ्रूट इसको बोलते हैं काफी एक्सपेंसिव होता है जस्ट लाइक 1000 पर केजी आता है ये एंड इट इज वेरी न्यूट्रिशियस सो द नेम ऑफ दिस फ्रूट इज एवोकैडो It's not an Indian fruit though. So, but there is no specific meaning. So, an in front of vowels. An apple is a fruit. A bear is an animal. See the difference. Ab apple pe aaye, to an laga diya. Bear pe aaye, to a laga diya. Hai wo bhi ek, hai wo bhi ek. Dono ikko hi ne, ik ik ne. A bear is an animal. Ithe a lag gaya, kyunki oh consonant hai. A rose is a flower. Again, A lag gaya kyunki ode agge R hai and R is a consonant, not the vowel. Okay. Now, tell me, dash school is dash building. A and N de vichu ki aayega? Dash school. School is a building. Good. So a school is a building. S and B both are consonants. Okay, give me the answer. Dash horse is dash animal. A horse is an animal. A horse is an animal. Very good. Theorem. Okay, this dash ant is dash insect. And ant is an insect. Okay, now soccer is dash sport. Soccer is a sport. Very good. So basically, I'm happy that you're learning ki A or N de vich tuhanu difference pata lag gaya ki ki cheez hai. Okay, similarly
ए प्रिंटर इज अ डैश ये तीनों के बीच में आएगा बिल्डिंग मशीन 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 ए स्क्वायर इज अ डैश शेप शेप मशीन ए हाउस इज अ डैश बिल्डिंग बिल्डिंग मशीन शेप बिल्डिंग 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 सर बिल्डिंग Okay. A triangle is a dash. So everyone, no discussion at the back end. Okay, ducks are birds. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦਾ ਯੂਜਸ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾਓ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮੋਰ ਦੈਨ ਟੂ ਥਿੰਗਸ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ So ducks are birds. So ducks jada hai wo plural hai. Duck hunda ta singular hunda. Ducks lag gaya s de naal oh plural noun ban gaya. R jo hai wo vi plural verb hai jo ki ik to vad nu ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਟ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਆਰ ਵਰ ਹੈਵ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਪਲੂਰਲ ਆ ਗਿਆ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਹੈ ਏ ਡੋਗ ਐਨ ਐਨੀਮਲ plural dogs animals so plural usnu kehnde ne singular jo ik hove plural ik to vadh hon plural de end de vich s add ho janda hai jidda dog de piche dogs laga diye to bahut sare ban jande ne animal de piche animals s laga diye kafi sare ban jande ne singular a city a country plural cities countries hun jadon y cities so apa cities likhna hove city de magar s nahi paawange grammar da rule hai y katya jayega y nu kat ke ies lag jayega so y ies nu replace karega ta oh cheez plural ban jayegi so jis tarah country countries so do cheezan nu jadon assi join karde ha ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਆਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਟਲੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਸ ਆਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼ ਓ ਐਮ ਆਈ ਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਓ ਐਮ ਇਟਸ ਓਮਿਟ 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 ਮੀਨਸ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਓਮਿਟ ਦਾ ਵਾਈਟ ਓਮਿਟ ਦਾ ਵਾਈ ਐਂਡ ਐਡ ਆਈ ਈ ਐਸ So omit means cancel. So omit the Y, add IES. So ਆਪਾਂ R ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ R ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ bees and ants are bugs. ਕੀ ਨੇ bugs means ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ kind of. सिंगुलर की है स्कूल इज अ बिल्डिंग
प्लूरल की होएगा, बहुत सारे बिल्डिंग्स होंगे, स्कूल्स आर बिल्डिंग्स. सिंगुलर एन एलिफेंट, एन एलिफेंट इज एन एनिमल. प्लूरल एलिफेंट्स आर एनिमल्स. सो एलिफेंट्स पीछे एस लग गई, एस मीन्स प्लूरल बन गया, फिर प्लूरल नाल असी इज नहीं ला सकते. एलिफेंट्स इज नहीं लगावांगे, जो ज्यादा हो गए फिर आर लगनगे. आर की है फिर एनिमल्स के पिछे भी एस लगेगी. इत्थे एनिमल दे पिछे एस नहीं लगी क्योंकि एलीफेंट भी एक है, असी लगाया भी इज है, और एन भी ये दसदा है कि ये सिंगल एनिमल है. सो एलीफेंट्स आर एनिमल्स, वो प्लूरल बन गए कि बहुत सारे ने. ए स्वान इज ए बर्ड, स्वान्स आर बर्ड्स. सो ए प्लूरल सेंस बन गई है. कैरट्स आर वेजिटेबल्स, कि यह सही है कि गलत है? Yes. प्लूरल ली आर लग गया, वेजिटेबल्स भी प्लूरल है. सो आंसर इज यस, इट्स राइट. ओके, बीज इज इंसेक्ट्स. Tell me. No, sir. No, sir. No, sir. Kill you for far. Okay, bees. R. Right. It's R. Not. R. Bees good. Are. Good. Singular, I am a teacher, you are a teacher, she is a teacher, he is a teacher, it is a school. Is aryan singular aa gaya. हुण इसनों असी प्रोनाउन दे विच लैके आने हैं, ठीक है. प्रोनाउन दे विच की है कि बहुत सारे आ जाते हैं. वी आर टीचर्स, यू आर टीचर्स. हुण किन्ने सारे टीचर्स साढ़े सामने खड़े ने, असी उन्होंने कह सकते, असी उन्होंने कह सकते यू आर टीचर्स. यू आर टीचर्स, दे आर टीचर्स. सो बेसिकली सिंगुलर और प्लूरल दे विच की फर्क दस रहे ने कि सिंगुलर दे पिछे एस नहीं लगी हुई और प्लूरल दे पिछे एस लगी हुई और लगानी पैंदी है. इफ यू मिस एस टोटली सेंस चेंज हो जाएगी, ग्रामेटिकली रोंग हो जाएगा. वी आर टीचर नहीं लिख सकते, वी आर टीचर्स. सो वी हैव टू कीप एन अटेंशन कि जदों असी सेंटेंस बनाने हैं वह सही बने हैं ग्रामेटिकली. यू आर टीचर्स, हूँ अगर असी इतने एस ना लगाइए तो ग्रामेटिकली रोंग हो जाएगा. सो सिंगल, यू आर ए गर्ल, शी इज ए गर्ल. प्लूरल दे विच वी आर गर्ल्स, यू आर गर्ल्स, दे आर गर्ल्स. राइट, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सर इस तो पहला वाली स्क्रीन बैक कर दो, एक मिनट, एक सेकंड ले. श्योर, हाँ जी. थैंक यू सर, यही सर. ओके, एनी कंफ्यूजन? नो सर. नो सर. ओके, सो बेसिक डिफरेंस ये है कि प्लूरल दे विच जो जिदा गर्ल्स है, जो उस चीज नु दस रहा है, नाउन है, उसनु वो प्लूरल लगेगा, नाल प्लूरल होएगा. एस शुड बी देयर. सो दिस इज बेसिकली इनफॉर्मल वर्ड्स की शीज नू असी शीज इदा भी लिख सकते हैं इनफॉर्मली. ही इज नू इदा, ही इज अ बॉय. बट आई विल नॉट रिकमेंड, दीज आर कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस असी नॉर्मली असी अवॉयड करते हैं. मैं पर्सनली सब नू यही कहना कि कॉन्ट्रैक्शंस राइटिंग विच ना यूज करो. कॉन्ट्रैक्शंस वो वर्ड्स होंगे ने कि शीज नू असी इदा लिख दिता और ही इज़ नू असी इदा लिख दिता. नॉर्मली ये इनफॉर्मल राइटिंग्स दे विच यूज हुंदा है, जेडे किसी मान लो असी फ्रेंड्स नू को राइट ईमेल भेजनी है या कोई टैक्सट मैसेज करना है. बट फॉर्मल लैंग्वेज दे विच वी डू नॉट यूज एनी कॉन्ट्रैक्शन. फॉर्मल दे विच असी पूरा ही लिखांगे यू आर. हुण आ यू आर जिहड़ा है, सो कॉन्ट्रैक्शंस असी अवॉयड करांगे. रेड दे विच तां ही है कि असी इसनू अवॉयड करांगे. सो असी पूरी फॉर्म लिखांगे यू वाई ओ यू ए आर ई आर. समटाइम असी की करते हैं मोबाइल ते जो असी
ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਬਟ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਯੂਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਫੁੱਲ ਵਰਡਸ। ਲੈਟ ਮੀ ਸਕਿਪ ਇਟ। So contractions will be used in formal, informal only. So jis tarah ye dassya gaya hai ki isn't aren't nu tusi short likhna hai ta contraction idda karke likh sakte ho, but this is informal. The animal isn't a dog. Eh jehdi isn't hai, assi inu isn't bolna hai. Is not nu isn't bolonge, is speaking de vich kam aande ne jehde contractions ne basically. Let me tell you one more thing. Jadon assi likhde ha, likhan aur bolan de vich thoda ja fark hai english de vich. Jadon assi bolde ha you are not di jagah assi bol sakde ha you aren't. There is a background noise. Sare please mute karke rakho apna mic. Background noise aa raha hai. So you are not nu assi you aren't bol sakde, you aren't. Eh English speaking de vich kam aayega, likhan vich nahi, but speaking ch, yes you can say that. You weren't there, you aren't, you didn't, you isn't. So eh contractions ne jehdiyan ki tusi bolan ch use kar sakde ho. They are sir, not nu assi bolange they aren't. They sir, aren't. I have a question. May yes, I ask? Yes, please. Sir, jidda tusi sir dassya ki jo hunde are, sir inu apa jyadatar apa vaise ta inu apa informal vi use kariye, but formally ta apa inu use karna hi hai. But sir jadon hun jadon tusi dassya speaking ch apa use kar sakde ha ki it's a, she's a, he's a, no he's a boy, hai na sir, but ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਰਮਲੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵਿੱਚ? ਸਪੀਕਿੰਗ ਚ ਆਪਾਂ ਯੈਸ ਵੀ ਕੈਨ ਸਪੀਕ, ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਈਲ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਪੀਕਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਲ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਐਂਸੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯੂ ਆਰ ਨੋਟ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਯੂ ਆਰਨਟ, you aren't, right? You aren't. So apa kehne you weren't there, hun you weren't there, you were not there, you were not there, di jagah you weren't there, meaning same hai, fluency da fark pai gaya na. I was there, I was there, but you weren't there, I looked for you, I couldn't find you. Hun apa kahange ki I could not find you, I couldn't find you. So agar assi I couldn't find you bolde hain to ek ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੂਐਂਸੀ ਲੈਵਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਫਾਰਮਲ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਏਜ ਜਾਂ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਬਟ seniors okay, nu or formal letters lay, you cannot use contractions, but for speaking yes you can use it. Okay sir, okay yeah. Sir, thank you sir, welcome. So isn't, aren't, the women, the women, dekho hun itthe women's nahi aayega, jehda women hai na w o m e n, jithe e n nal khatam ho gaya plural hai, eh vi grammar the rule hai. Women is a single, women jada women hega m e n ho gaya to o plural ban gaya, fir o utthe s nahi assi lagana. Aren't nurses, hune are not we likh sakde hain formally, informally jadon bolna hai the women aren't nurses, kyo nurses nahi si gaya. They are doctors, kyo nurses nahi si gaya o doctors ne, nurses nahi hai gaya o doctors ne, they are doctors. The girl isn't a teacher. The girl jehdi hai oh teacher nahi hai, she is a student. The animal isn't a dog.
ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੂੰ ਇਜ਼ਨਟ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਐਨੀਮਲ ਲਿਖਣ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਜ਼ ਸਪੇਸ ਐਨਓਟੀ ਬਟ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਨਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਐਨੀਮਲ ਇਜ਼ਨਟ ਅ ਡੋਗ ਇਟਸ ਅ ਕੈਟ ਏ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਵਾਰਮ An elephant is big, a butterfly is small, a ball is round. Adjective describes noun. Hun dekho, assi adjectives te aa gaye hun. Adjective ki dasdi hai, kisi cheez di visheshta nu dasdi hai. Ki jehda elephant ki hai, big hai. Small vi keh sakde hain, oh vi adjective hai. Elephant is big, butterfly is small, small adjective hai. ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਊਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਬਾਲ ਇਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਟਸ ਰਾਊਂਡ ਦ ਫਾਇਰ ਇਜ਼ ਵਾਰਮ ਜੋ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੈ ਵਾਰਮ ਹੈ ਸੋ ਵਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਜ਼ ਹੈਪੀ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸੋ ਹੈਪੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਐਨ ਔਰੇਂਜ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ जो राउंड है वो एडजेक्टिव है ऑरेंज दी विशेषता दसदा है कि वो राउंड है ऑरेंजेस आर राउंड हुन इत्थे एडजेक्टिव सेम है बट ऑरेंजेस प्लूरल है इस करके इत्थे आर लग गया हुन इत्थे आपां राउंड्स नहीं कह सकते क्योंकि एडजेक्टिव सेम है राउंड इज राउंड जेन इज यंग ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਲੂਰਲ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਆਦਾ ਐਂਡ ਰੋਬ ਆਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾਊਨ ਸੀਗੇ ਦੋ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਲਰ ਲਈ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਸਿੰਗਲਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਆਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਊਂਡ ਵੀ ਆਰ ਯੰਗ V is a plural, R is plural, verb. Okay, he is not clean, he is dirty. Desert aren't wet, they are dash, sad, sweet, dry. Dry. Okay, good. Dry. Ice cream dash dash is our cold warm. It's cold. Very good. Okay. A fire dash dash is warm. Is a warm. Good. Okay. A tree is tall. The tree is tall. Very good. Janet is at home. So Janet is So Janet is here, Bill is at the library. So ek hun dassya gaya ki Janet kithe hai, Bill jada hai oh kithe hai. A place at the library vi place hai, kithe hai? Exactly. So basically a location dasde ne that we just discussed. Upstairs Joanna's is outside. Luke is upstairs. Now it's prepositions. Preposition, jedi ki us cheez di position dasde ne. Jaira is inside the pool. Ki kithe ne? Jaira kithe hai? Inside the pool hai. Leah is on the car. That is a preposition that we discussed earlier. ਕਿ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਾਊਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਲੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅਪਸਟੇਅਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੋ ਉਹ ਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦਾ ਕਾਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਟ ਦਾ ਸਕੂਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਪੂਲ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਦਾ
length is dash the table. On the table. On the table. Plant, the plant is on the table. On the table. Plant is on the table. Why not? Good. Max is dash. Outside. Down, down. At his dash school. At school. Table and chair are dash the tree. An eagle is a bird. Is it correct? Correct. Eggs is healthy. Correct? Yes. Incorrect. Yes. No, sir. It's wrong. Wrong. It is R. Eggs are healthy. Very good. China and Japan are countries. Correct. The loin are big. No, sir. Yeah, the loin is big. The loin is big. Very good. The boy is at the beach. Wrong, sir. Good. All right. Thank you so much, everyone. I'm very happy that you are learning the things. Sare bahut acche tarike na sikh rahe ne. Bahut khushi hui. Sabnu sab samajh aaya? Yes, sir. All clear. Yes, sir. Great. Yes, sir. Aaj di recording bhi tuhanu group de vich share ho jayegi thodi der tak. Saadi jehdi IT team hai oh share kar davegi. Koi question hai, koi doubt hai? Sir, I have. Yes, please. Sir, tusi dassya ki jiddan noun sir ki she is a teacher. Teacher is no sir, ek minute sir. She is sir, tusi noun wali screen please share kar do. Please. Sir, is to next sir jithe sir video vich si sir I mean main kehna cha rahi ha ki hun ede vich ek word ek sentence vich aa jave. The person is good teacher. Sir, then person bhi noun hai, teacher bhi noun hai. Dekho, am I right, sir? Pehla apan nu eh kahange, person nu define karange ki Sita is a good teacher or professor. She is, yes, she is a brilliant tutor. Fir ohdi agge adjective assi visheshta define karange. Apan person kaun hoya? Person means assi idda nahi kahange ki that person. Tusi matlab ये कहना चाहूं कि पर्सन देखो नाउन बेसिकली डिस्क्राइब समथिंग सर मीन कि हुन पर्सन है सर वो भी एक नाउन है पर्सन का मतलब कि हुन रीटा श्याम लवप्रीत नवदीप शिखा ठीक है जो इंसान है जिदा नाम है ओनू नाउन किया जाता है मतलब नाम है जिस चीज का किसी भी चीज का नाम होवे किसी जगह का नाम होवे किसी बंदे का नाम होवे किसी चीज का नाम हो उसने नाउन किया जाता है बस दैट इज अ नाउन इट इज फॉर द इनफॉरमेशन ओनली कि थानू पता होना चाहिए है कि नाउन है और हुन राम लग गया है तो उस तो बाद तुसी राम राम नू डिफाइन नहीं करी जाना उदा प्रोनाउन यूज करना फिर ही करोगे जे बंदा है तो ही करोगे जे लेडी है तो शी करो ठीक है सर बट आई एम बिट कंफ्यूज्ड सर जिदा सीता इज अ गुड पर्सन सीता इज अ गुड ह्यूमन ह्यूमन इज अ वोकैबुलरी पर्सन इज अ वोकैबुलरी जो देखो जी एनु कहंदे ने कि हुन सारिया एक एक चीजा नु अगर तुसी तोड़ के देखो सीता इज अ गुड पर्सन सीता की है नाउन हो गया इज अ वर्ब आ गई ठीक है गुड की है एडजेक्टिव हो गया ठीक है उस तो बाद फिर नाउन
person. Person is also a noun. It can be noun. It can be a vocabulary word. So noun, noun हो सकते हैं. Noun plus verb plus noun. Yes. Okay sir. Now इतने की हुए noun, verb, adjective plus noun. इतना बनिया. ठीक है ना. Okay, so ये सिर्फ थोड़ी knowledge वास्ते कि किसी भी चीज दे नाम नू noun के हज़ार. जी, तो पता हो कि ये मतलब नाउन है. सो इहदा होर कोई फंक्शनैलिटी नहीं है. इट इज जस्ट फॉर द इनफॉरमेशन कि तुहानू पता होवे कि सिंगुलर नाउन केड़े ने, प्लूरल केड़े ने, प्लूरल नाल वर्ब केड़ी लगनी है, सिंगुलर नाल केड़ी लगनी है. हौली हौली वी विल डिस्कस थिंग्स इन द डिटेल. ठीक है. एनी एनी अदर क्वेश्चन? यू वेलकम. एनी अदर क्वेश्चन? यस प्लीज सर. व्हाट इज द प्रोनंसिएशन ऑफ एस डब्ल्यू ए एन? S-W-A-N, swan. Okay, sir. It's swan, right? S-W-A-N, sorry. Yeah, it's swan, S-W-A-N. Any other question? Sir, jada pa ek sentence kita siga, jime Sita is always late for school. It which always a jada hai adverb aga. E jada thoda aagya ki jidi. ਜਿਹੜੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਡਵਰਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਉਹ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਐਡਵਰਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ. ਠੀਕ ਹੈ. ਓਕੇ ਸਰ. ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਸਰ. ਯੈਸ ਪਲੀਜ਼. सर तुसी फिल अप करवाई सर अंडर अ ट्री चेयर वाली सर. अंडर द चेयर. ओके सर. अंडर मीन सर आप कह रहे यस सर. सरफेस एक नीचे एक ऊपर सर. बीनीथ में क्या सर? सर डिस्टेंस को ना फ्रीज. देखो बीनीथ इज अ डिफरेंट वर्ड, अंडर इज अ डिफरेंट वर्ड. दोनों दी सेंस डिफरेंट हैगी है. Beneath, yes. नीचे आ जाती है. अंडर इज अ डिफरेंट. दोनों का सेंस डिफरेंट है. देखो हर वर्ड हर जगह फिट नहीं होंदा. यू हैव टू सी द सेंस, सेंस ऑफ द सेंटेंस. थोड़ी हौली हौली थोनों पता लगेगा कि केड़ा वर्ड कितने फिट होएगा. जिदा पंजाबी का हर वर्ड आप हर सेंटेंस नहीं ना फिट कर सकते. कई जगह पर बनीथ ही यूज होंगे, कई जगह पर अंडर ही यूज होंगे. सो वी कैन नॉट रिप्लेस द वर्ड्स. ठीक है ना. So slowly, slowly we'll discuss for sure. All right. Thank you so much, everyone. Hope you enjoyed the class. I really enjoyed it. Thank you, sir. Thank you. You're welcome. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you so much. You're welcome. Thank you, sir. I will share the recording in the group. Plus, you're welcome. Thank you again for the entire team of Educate thank Punjab you. Project. You're welcome, beta. You're welcome. Jaspreet ma'am, you there? Yes, sir. Yes, sir. I was waiting. ये सारे बच्चे अपने जेड़े question के answers हैं वो लेलन पढ़ते हैं. हाँ जी हाँ जी. कोई और question है ता I would be happy to answer. किसी तक कोई question रह गया हो बे? Sir, firstly I would like to thank you. Excuse me, sir. इतना ज़्यादा time ता बच्चियाँ दे लाई. नहीं कोई गल नहीं. देखो जिन्ना देखोगे उन्ना ज्यादा लर्न करोगे. सो सारे मेक श्योर करना के तुसी अपनी प्रैक्टिस जरूर करो. पर जो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ. ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ. ਟਰਾਈ ਟੂ ਸਪੀਕ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸ ਮਚ ਐਸ ਯੂ ਕੈਨ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ. ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਫ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਸਿੰਸੀਅਰ ਬੱਚੇ ਨੇ. ਸੋ ਸਭ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ.
और असि पूरी आस करांगे कि सारे बच्चे बड़ी सिंसियरिटी दे नाल रेगुलर होके पंचुअल होके इस क्लास नू अटेंड करेंगे ताकि जड़ा सरदा लगाया हुआ टाइम है वह सफला होगा. एंड अगेन एट लास्ट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू मिस्टर लवप्रीत वर्मा जी जिन्होंने थैंक यू सो मच टाइम कर दिया और एजुकेट पंजाब प्रोजेक्ट के स्टूडेंट्स नू बेसिक इंग्लिश दी क्लासेस देनी स्टार्ट हमेशा सी मैम हाजिर है थोड़ी सेवा दे विच. ए जड़ी सेवा हुंदी है बेसिकली वो मन तो कीती जांदी है और ओदे लिए कोई एप्रिसिएशन और थैंक्स दी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. मैं समझदा इट्स अ ग्रेस ऑफ वाहेगुरु वाहेगुरु दी मेहर दे नाल सानू इह सेवा मिली है तां असीं इस नूं तहे दिल नाल निभावांगे ते असीं वी रियली ओब्लाइज्ड थैंकफुल टू एंटायर टीम. सो यस जिद्दां मैम ने दस्सिया सारे बच्चों नूं बेनती है कि तुसीं सिंसियर होके पढ़ना और इस चीज़ का बेनीफिट जिन्ना भी हो सके. नॉर्मली आई डोंट टेक क्लासेस मैं सिर्फ ऑपरेशनल साइड ही देखदा सारे इंस्टीट्यूट की बट मेरा खुद का मन सेगा कि ये क्लासेस मैं खुद लवा. सो नॉर्मली मैं पहला क्लासेस लैंदा हुंदा सी हायर इंग्लिश दियाँ या आयल्स दियाँ बट हुन मैं क्लासेस नहीं लैंदा बिकॉज आई हैव अदर ऑपरेशंस टू डू अदर थिंग्स टू डू. बट मेरा दिल दी तमन्ना सी कि मैं ये ग्रुप नू मैं खुद अपने मैं खुद एफर्ट्स करनी आने और हेल्प हां जी मैं एक गल करना चाहती सी स्टूडेंट्स नु दसना चाहती सी कि बड़े सारे स्टूडेंट्स ने जेडे के इंग्लिश सीख के आइल्स भी करना चाहते हैं या मैं सर द इंस्टीट्यूट बारे गल करना चाहती हूं. बड़े सारे इंस्टीट्यूट्स अभी देखते हैं कि जो असं उत्ते जाने ना वो अपनी अचीवमेंट की दिखाते हैं कि साढ़े को वन और टू स्टूडेंट्स हैं जिन्हों के एट बैंड या नाइन बैंड आए. जो असं सर द इंस्टीट्यूट उ विजिट किया मतलब की सी कि बहुत सारे बच्चे सी जिन्होंने बिल्कुल बड़े आम जी गल सी उत्ते देखो बच्चों लिए मेहनत है जी तो सारे इट्स गॉड्स ग्रेस जी बिल्कुल सर है गुरु की कृपा ही है परमात्मा की कृपा है. और मैं सुनने विच देखिया कि हर गल ते उन्हां दा इक्को ही है कि परमात्मा की कृपा. सो ये चीजा भी असीं सर तो जरूर लर्न करनिया ने. और एक दिन असीं सर नूं बेनती भी कीती सी कैंप लई ते असीं जरूर सर नूं कॉन्टैक्ट करांगे कि अपनी लाइफ स्टोरी जरूर सुनाण. सो ये श्योर मैम इस काबिल तो नहीं है बट डेफिनेटली अगर तुसी यू वुड से इट डेफिनेटली. सो थैंक यू सो मच मैम आई रियली ऑब्लाइज तुसी इन्ने वधिया वर्ड्स एंड तुसी इन्ना सारयां नूं डायरेक्शन दित्ती सानू मौका दित्ता. लास्टली बच्चों नूं मैं अगेन यही बेनती करांगा कि ऑलवेज पेन एंड पेपर लगाओ एक डायरी लगाओ एक नोटबुक अलग लगाओ जिहड़ी भी चीज़ तुहानू सिखाई जाती है वीडियोज़ नूं बार बार देखो उसनू रिसर्च करो. हो सकता है साढ़े को एक डेढ़ दो घंटे होंगे ने यह भी थोड़े ने कंटेंट वास्ते. अगर कंटेंट नू डिस्क्राइब करना हो तो सिर्फ एक टॉपिक नू ही दो दो तीन तीन घंटे लग जाते हैं. सो मैं चाहवागा कि तुसी एक एक टॉपिक नू नैट ते सर्च करो उदे बारे सेंटेंसिस बनाओ और रोज़ तुसी की करो अगर तुहाडे कोल टाइम हुंदा है अगर तुसी इंग्लिश नू बहुत अच्छे लैवल ते देखो इंग्लिश इंप्रूव करना यह जरूरी नहीं कि असी आयल्स ही अटैम्प्ट करना है. इंग्लिश अज दे समय दे विच जरूरी है जिदा पंजाबी साड़ी माँ बोली है वह तो साड़ी अपनी लैंग्वेज है बट नाल नाल सानू दूजे लैंग्वेजिज़ दे विच भी परफेक्ट होना जरूरी है जॉब करन वास्ते अगे फ्यूचर दे वास्ते परसनैलिटी डेवलपमेंट वास्ते. सो तुसी इंग्लिश रेडियो सुन सकते हो टैड टॉक्स आंदियां ने मैं थानू ग्रुप दे विच भी शेयर करांगा कि जेड़े बच्चे टेंथ कर रहे ने प्लस वन प्लस टू कर रहे ने ओहो टेड टॉक्स दे विच की हुंदा है तुसी गूगल दे विच टेड टॉक्स भरोंगे तां ओ जेड़े भी दुनिया दे बेस्ट एक्सपर्ट्स ने उन्होंने अपने लाइफ हिस्टरी शेयर कीती है अपने टेड टॉक्स दे विच ओहो नवी इनवेंशनस अपनी सोच ओ सारा कुछ इंग्लिश हुंदा है और बहुत तरह दियां उत्थे रिकॉर्डिंग्स पईयां ने डिफरेंट परसनस दी पईयां ने जो तुसी हर किसी नूं अलग अलग नूं सुनोगे फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज थोनू कोई चाइनीज़ होएगा कोई पुर्तगाल तो कोई कनेडियन कोई रशियन वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट सुनोगे थोड़ी लिसनिंग इंप्रूव होएगी. सो टेड टॉक्स नूं जरूर सुनो बहुत इनफॉर्मेटिव यह है मैं खुद सुनता हाँ इहदे नाल इंग्लिश भी इंप्रूव होंदी है लिसनिंग भी इंप्रूव होंदी पहला समझ नहीं आएगा बट हौली हौली थोनों समझ आना शुरू हो जाएगा. स्टार्ट यूजिंग सिंपल एंड ईजी इंग्लिश वोकैबलरी एट योर होम अपने घरे तुसी एक डिक्शनरी जरूर लैके आओ पंजाबी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू पंजाबी और इंग्लिश टू हिंदी
उसनू रोज दे तीन चार वर्ड जरूर सीखो ताकि थोड़ी इंग्लिश दे विच वोकैबलरी स्ट्रोंग हो सके कि सीढ़िया नू पौड़ी नू इंग्लिश की कहते हैं स्टेयर्स कहते हैं ठीक है लाइन नू की कहते हैं क्यू कहते हैं सो यू कैन इंप्रूव योर वोकैबलरी ता अपने फ्रेंड सर्कल दे विच तुसी अपने पेरेंट्स नाल या चलो पेरेंट्स ने अपने सेम एज ग्रुप नाल तुसी इंग्लिश गल करन दी कोशिश करो ताकि तुहाडी इंग्लिश दी हैजिटेशन खत्म हो सके रीड इंग्लिश स्टोरीज स्टार्ट विद चिल्ड्रन्स बुक जिहड़े बच्चियां दीआं तुहाडे कोल ऑलरेडी इंग्लिश दीआं बुक्स होणगीआं उहनां नूं अच्छे तरीके नाल पढ़ो ता कि तुहाडी इंग्लिश इंप्रूव हो सके चिल्ड्रन्स बुक्स इस लई दस्सिया जांदा है कि बच्चियां दी बुक्स दे विच इंग्लिश बहुत अच्छे और सही ढंग नाल ईजी वे नाल डिस्क्राइब किए होंगे कंसैप्ट सो बच्चों के बुक्स पढ़ो बड़े बच्चे ने जिहड़े 12th 10th ऑनवर्ड ने वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर इंग्लिश न्यूज़पेपर नू उची उची पढ़ो शीशे के अगे खड़ के वो की फायदे होंगे थोड़ी फ्लुएंसी बढ़ेगी सैकेंड सेंटेंस स्ट्रक्चर न्यूज़पेपर दे विच बहुत अच्छा होंदा है नवा नवा सेंटेंस स्ट्रक्चर थोनू मिलेगा सीखने वास्ते तुसी वो नोट कर सकते हो नवी वोकैबलरी मिलेगी उसनू तुसी डिक्शनरी सर्च करो उहदा मीनिंग सर्च करो उसनू यूज करो अपनी रोज दी डेली इंग्लिश दे विच रोज इंग्लिश दे विच लिखन दे विच पढ़न दे विच उसनू बोलन दे विच यूज करो रीड एटलीस्ट वन पैराग्राफ ऑफ इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरी डे हर रोज एक इंग्लिश पैराग्राफ जरूर रीड करो न्यूज़पेपर रीड करो कोई मैगजीन रीड कर लो अच्छी कुछ भी कर लो राइट डाउन न्यू वर्ड्स टू योर क्रॉस योर डेली लाइफ एक डेली डिक्शनरी टाइप तुसी बना लो डेली बुक लगा लो जिदे विच दो चार नवे वर्ड जरूर लिखो उन्हां दा मीनिंग लिखो उन्हां नू बोलन की कोशिश करो सो इंग्लिश कोई फोबिया नहीं है कोई डर वाली चीज़ नहीं है अगर सानू इहदे बेसिक्स पता है तो हौली हौली तुसी यू विल बी गुड एट इंग्लिश सो स्टार्ट योर बेसिक कन्वर्सेशन विदाउट एनी हैजिटेशन घबराने की जरूरत नहीं है